तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? फिर स्वागत करते हैं अपने ए टू जेड फौजी ब्लॉग में दोस्तों। तो दोस्तों आपके लिए एक और भर्ती लेकर आया हूं दोस्तों, बीएसएफ ट्रेडमैन, जिसकी कुल वैकेंसी होने वाली है दोस्तों 1410। ये ट्रेडमैन की भर्ती है दोस्तों। तो ये बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों। आज के वीडियो में आपको हम बताएंगे बीएसएफ ट्रेडमैन के पूरे बारे में ए टू जेड जानकारी देने वाला हूं। कितनी वैकेंसी होने वाली है, महिलाओं के लिए कितनी सीट है, पुरुष के लिए कितनी सीट है, कितनी हाइट मांग रहा है, आइए सब आपको समझाते हैं। आइए देखिए दोस्तों, बीएसएफ ट्रेडमैन भर्ती 2023 टोटल पोस्ट की बात करें दोस्तों तो 1410 पोस्ट है दोस्तों। अप्लाई की बात करें तो ऑल इंडिया महिला और पुरुष दोनों के लिए है दोस्तों, और ये ऑनलाइन अप्लाई होगा दोस्तों, ये ऑफलाइन फॉर्म नहीं निकलेगा दोस्तों। इसकी अप्लाई डेट की बात करें तो ये अपकमिंग में है दोस्तों, कभी भी ये आ सकता है, एक सप्ताह में, पांच दिन, दो दिन के बाद भी, यानी एक सप्ताह या दस दिन के अंदर ये वैकेंसियां आ जाएगी दोस्तों, अपकमिंग में है दोस्तों। यही उम्र की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें 18 से लेकर 25 साल तक का उम्र रखा गया है, जिसमें ओबीसी के लिए 3 साल और एससी एसटी के लिए 5 साल का छूट दिया गया है दोस्तों। योग्यता की बात करें तो 10वीं पास और आईटीआई, आईटीआई कुछ ट्रेड में है दोस्तों और कुछ ट्रेड में आईटीआई नहीं है दोस्तों। जिसमें इसकी फीस की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करें तो उसमें 100 रुपए का फीस रखा गया है। एससी एसटी ESM और ऑल फीमेल महिलाओं के लिए 0 रुपए का फीस रखा गया है, और पेमेंट इसका ऑनलाइन ट्रांसफर होगा दोस्तों, ऑनलाइन पेमेंट मेथड है, चाहे आप गूगल पे, फोन पे, यूपीआई, जिस माध्यम से आप करना चाहें। हाँ दोस्तों, पेमेंट का बात करते हैं दोस्तों, तो पेमेंट आप जब तक अधिकारी उसका वेबसाइट पे जाके ही उसका पेमेंट करेंगे जो फॉर्म फिलअप करेंगे, तो बाकी आप किसी भी लिंक के माध्यम पे जाके उसका पेमेंट ना करें, ठीक है दोस्तों। उसका साइट पे जाए, जब फॉर्म अप्लाई करने के बाद उसी के साइट पे जाके कोई भी पेमेंट करे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आइए बात करते हैं इसमें कि पीएमटी फिजिकल मैनेजमेंट टेस्ट आपका, देखिए पुरुष के लिए दोस्तों हाइट और चेस्ट, अगर आप जनरल और ओबीसी के हैं तो आपको 167.5 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और चेस्ट 78 से 83 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए। अगर आप हिल एरिया यानी नॉर्थ ईस्ट एरिया के रहने वाले हैं तो 1.65 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और 78 से 83 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए। अगर वो आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपका 162.5 सेंटीमीटर हाइट और 76 से 81 चेस्ट चाहिए दोस्तों। यही चलिए बात करते हैं महिलाओं के लिए, तो जो हमारे बहनों का अगर जनरल ओबीसी के है उनकी अगर हाइट 157 है तो वो भी अप्लाई कर देंगी, चेस्ट नील है दोस्तों, रिक्वायरमेंट नहीं है। और वही नॉर्थ ईस्ट के हमारे अगर कोई बहनें भर रही हैं, महिलाएं भर रही हैं, तो उनका 1.55 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और एससी एसटी है तो 1.50 सेंटीमीटर उनका हाइट चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों आपका पीईटी फिजिकल में क्या क्या होने वाला है दोस्तों, दौड़ कितने होगा, कितने मिनट का है दोस्तों। तो फिजिकल में दोस्तों अगर पुरुष के लिए 5 किलोमीटर का दौड़ है जो 24 मिनट में पूरे करने हैं दोस्तों, और हमारे फीमेल यानी महिलाओं के लिए 1.6 सेंटीमीटर यानी 1600 मीटर का दौड़ है जो कि 8.5 मिनट में पूरा करना है। इसकी हम चयन की बात करते हैं दोस्तों, तो चयन की बात करते हैं तो पहले फिजिकल होगा दोस्तों, जिसमें आपका हाइट मैनेजमेंट और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट के लिए दोस्तों हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप हमारे चैनल पर जाकर उसको भी देख सकते हैं कि किस ट्रेड में आपका कौन सा ट्रेड टेस्ट होगा और कैसे टेस्ट होता है, उसको हमने एक सेपरेट वीडियो बनाकर डाल रखा है, और आपको डिस्क्रिप्शन में हम उस वीडियो का लिंक भी दे देंगे, आप जाकर वहां भी देख लीजिएगा और आई बटन पर भी देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। फिर बात करते हैं रिटेन, फिर होगा मेडिकल। तो दोस्तों एक यही छोटी सी जानकारी दी थी बीएसएफ ट्रेडमैन भर्ती के बारे में जो अपकमिंग में है, जो भी एक सप्ताह के अंदर आ जाएगी दोस्तों। तो आप सारी अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें, बेल वाली घंटी को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको दोस्तों। तो फिर ऐसे ही मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।